नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आज हम लोग खास इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं कि वंदे भारत के स्लीपर वर्जन जो मार्च महीने में लॉन्च होने वाली है, इसे कौन सी कंपनी बना रही है और ये कहाँ की कंपनी है और कितने रुपये में एक वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को इंडियन रेलवे को देने वाली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में वंदे भारत के स्लीपर वर्जन से जुड़े सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो में आप लोग अगर देखना शुरू कर दिए हैं तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आने वाला है ये स्लीपर वर्जन में कितना इन्वेस्ट कर रही हमारी है इंडियन रेलवे। और दोस्तों, ये कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स आज हम लोग जानने वाले। दोस्तों, आपको बता दें, एलस्ट्रम का जो है ना, आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे एलस्ट्रम की कहां कहां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और किस प्रकार की रेलवे के इंजन और रेलवे बना रही है एलस्ट्रम कंपनी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वंदे भारत के स्लीपर कोच को चलाने की कवायती तेज करते हुए सरकार ने इसकी जिम्मेदारी फ्रांसीसी कंपनी एलस्ट्रम को दी है। यह कंपनी एक ट्रेन 150 करोड़ रुपये में बनाएगी जिसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ने की होगी। दोस्तों, आपको बता दें, वंदे भारत के स्लीपर वर्जन लाने की तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है इंडियन रेलवे में। फ्रांसीसी कंपनी एलस्ट्रम ने स्लीपर सुविधा की 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत के स्लीपर वर्जन का निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि अन्य कंपनी की तुलना में इस कंपनी ने प्रति ट्रेन 150 करोड़ रुपये की कीमत की सबसे कम बोली लगाई है। फिलहाल जो वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन रेलवे में चल रही है उसे भी फ्रांस की एलस्ट्रम कंपनी ही बनाई है और अमृत भारत एक्सप्रेस को भी मैन्युफैक्चरिंग फ्रांस की एलस्ट्रम कंपनी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, वंदे की अपार सफलता के बाद अमृत भारत एक्सप्रेस को बनाया गया, उसके बाद इसे अमृत भारत की सफलता के बाद आप लोगों को अमृत भारत से पहले वंदे भारत के स्लीपर वर्जन पे काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अमृत भारत की जैसे ही सफलता मिली है तो मार्च महीने में अमृत भारत के तौर पे ही वंदे भारत के स्लीपर वर्जन लॉन्च होने वाली है। तो अब ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा और हमारी एलस्ट्रम कंपनी में जो है इसका रेक बनके तैयार हो चुका है और इसका अंतिम प्रोसेस इस ट्रेन को लेकर के शुरू। फिलहाल जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसकी औसतन कीमत 120 करोड़ रुपया खर्च आता है एक ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी वंदे भारत के स्लीपर वर्जन जो आने वाली है इसे स्टेनलेस स्टील बॉडी के तुलना में एल्युमिनियम बॉडी से बनाया जा रहा है जिससे ट्रेन का वजन हल्का होगा और ट्रेन मैक्सिमम स्पीड से चलेगी और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को बनाने के लिए दो कंपनी ने बोली लगाई थी, पहली एलस्ट्रम और दूसरी हैदराबाद की मेधा सर्वे ड्राइव्स थी और मेधा सर्वे ड्राइव्स ने प्रति ट्रेन 169 करोड़ रुपये की बोली लगाई। वही एलस्ट्रम ने प्रति ट्रेन 150 करोड़ रुपये में बनाने की जिम्मा उठाई। और आपको बता दें, एलस्ट्रम कंपनी हमारी बिहार के मधेपुरा में भी वेव 12 नाम की इंजन अभी बना रही है और फिलहाल बहुत सारे वेव 12 को जो है अभी पटरी पे दौड़ा दी है। देश में इस जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनकी मैक्सिमम क्षमता 160 किलोमीटर प्रति चलने की है, लेकिन पटरियों के अपडेट न होने के कारण से फिलहाल ये औसतन 80 से 90 किलोमीटर प्रति स्पीड ही चल रही है। इस तरह से वंदे भारत के स्लीपर वर्जन 200 किलोमीटर के अलावा अगर पटरी अपडेट नहीं होता है तो इसे भी 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड से ही चलना होगा और नई पटरी अपडेट हो जाने से इसे 200 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से ये चलेगी। भारतीय रेलवे पटरियाँ अपडेट करने के लिए लगातार काम कर रही है और एलस्ट्रम की ये सब कंपनियाँ जो है साथ दे रही है ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में। फ्रांस की कंपनी जो 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली ट्रेन बना रही है वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को, उसमें रूसी TMH और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम RBNL कंसोर्टियम द्वारा निर्मित की जाने वाली 120 ट्रेनों के साथ साथ टीटागढ़ वेगन्स और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड VL कंसोर्टियम द्वारा निर्मित की जाने वाली 80 ट्रेनों के अतिरिक्त और भी ट्रेन जो अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस को बना रही है।